हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक सिंह और आप देख रहे हैं मैक्स मल्टी सॉफ्ट प्रोडक्शन। फ्रेंड्स, आज से मेरे चैनल पे फोटोशॉप वर्जन 2020 की ऑनलाइन वीडियो ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। तो अगर आप भी चाहते हैं ऐसे ही एनिमेशन और मल्टीमीडिया से रिलेटेड वीडियोस के ट्यूटोरियल्स देखना, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर कोई भी वीडियो हम बनाएं वो सीधे आपके पास तक पहुंचे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है और सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिल जाता है। हम लोग बारी बारी एक एक चीज को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ऊपर के साइड में आते हैं और ऊपर के साइड में हमें यहाँ पे मेन्यू सेक्शन देखने को मिल जाता है, जैसा कि सारे सॉफ्टवेयर में होते हैं ये। उसके बाद हम आते हैं अपने लेफ्ट साइड, देखें तो ये हमारा टूल पैलेट है, जहां पे हम लोग आगे चल के फोटोशॉप के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क को करेंगे इन टूल्स की हेल्प से। राइट सेक्शन में अगर मैं आता हूं तो यहाँ पे हमें देखने को बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, अलग अलग विंडो, जैसे कि प्रॉपर्टी पैनल, लेयर पैनल एंड कलर पैनल। और उसके बाद में साइड में यहाँ पे कुछ टिप्स दिए हुए हैं फोटोशॉप की तरफ से, कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो और पहली बार सॉफ्टवेयर पे आए हो तो यहां से कुछ स्टेप्स को आप देख के लर्न कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस सॉफ्टवेयर में, हम लोग आते हैं फाइल की तरफ और फाइल में यहां पे हम ओपन करेंगे किसी भी इमेज को। यहां पे हमने कंट्रोल ओ भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको दिखाया फाइल के अंदर आके या तो आप ओपन करिए, या आपको यहां पे सारे सॉफ्टवेयर के कुछ शॉर्टकट्स देखने को मिल जाएंगे। अब इसको आप ओपन भी कर सकते हो और कंट्रोल ओ कमांड प्रेस करके किसी भी इमेज को ओपन कर सकते हो। और ये सेक्शन जो फ्रेंड्स हमारा सेंटर का सेक्शन है, इसको हम बोलते हैं वर्क स्पेस या आर्ट बोर्ड। हमारा जो भी करेक्शन होगा, जो भी एडिटिंग होगा या जो भी हम लोग इमेज में वर्क करेंगे, वो सारा हमारा इसी सेक्शन में होगा। अब यहाँ पे आप चाहो तो किसी भी विंडो को अटैच कर सकते हो और उसको सेपरेट भी कर सकते हो। जैसे ये टूल पैलेट मैंने आपको अभी दिखाया, इसको आप यहाँ पे छोटा सा एरो है, इस एरो से आप मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हो, और चाहो तो सेपरेटली इसको उठा के आप अपने अकॉर्डिंग कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। ये सारा ऑप्शंस आप किसी भी पैनल के साथ यूज कर सकते हो। और एक बात और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, फोटोशॉप जैसा कि मल्टीपल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, तो इस सॉफ्टवेयर को कुछ इसी तरीके से कस्टमाइज किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि बाय डिफॉल्ट ये एसेंशियल मोड में है एंड नीचे दिया हुआ है कुछ ऑप्शन जैसे 3D, ग्राफिक्स एंड वेव, मोशन, पेंटिंग एंड फोटोग्राफी। आप जैसे जैसे जिस मोड में आते हो, थोड़ा बहुत आपको इंटरफेस में चेंजेस देखने को मिल जाएगा। अगर मैं आता हूँ ग्राफिक्स एंड वेब मोड में, तो कुछ ऑप्शन हट जाते हैं और कुछ ऑप्शन और आके ऐड हो जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस सॉफ्टवेयर को मल्टीपल यूजर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं, चाहे वो स्टूडियो का हो, चाहे वो कोई भी प्रोडक्शन हाउस का बंदा हो, या तो आप एजुकेशन पर्पस के लिए ही क्यों ना इसको यूज करें। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको जिस चीज की जरूरत हो आप उस मोड में यहाँ पे आके काम करिए, बाकी की चीजें अपने आप हट जाएंगी। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं एक चीज और बता दूं, जैसे कि बाय डिफॉल्ट बहुत सारे ऑप्शंस यहां पे ऑन रहते हैं पहले से, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जिस ऑप्शन की जरूरत अगर आपको नहीं है, वो ऑप्शन आप यहां से मिनिमाइज कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं। और बाद में अगर आपको लगता है कि वो सारी चीजें मुझे फिर से चाहिए, तो आप विंडो के अंदर आएंगे। विंडो के अंदर आने के बाद वर्क स्पेस, और वर्क स्पेस के अंदर आने के बाद यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा रीसेट एसेंशियल। आप जैसे ही रीसेट एसेंशियल करते हो, वो सारी चीज फिर से एज इट इज अपनी जगह पे आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था सॉफ्टवेयर का कुछ बेसिक इंटरफेस। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात सामने आती है, अगर सपोज दैट कोई भी यहां से पैलेट गायब हो जाता है, या कई बार ऐसे बग्स आ जाते हैं, या सॉफ्टवेयर अगर प्रॉपरली बंद नहीं होता है, या किसी भी रीजन से अगर कोई भी विंडो यहां से गायब हो जाती है, तो वो हम वापस कैसे लाएंगे? तो इसको हम लोग एक बार प्रैक्टिकली करके देखेंगे। सपोज दैट जैसे ये हमारा जो लेयर पैलेट है, इसको हम निकाल के अभी सेपरेट करते हैं और यहां से हमने इसको क्रॉस कर दिया। अब हमारा लेयर पैलेट का ऑप्शन यहां से डिलीट हो गया। अब इसको वापस लाना होगा, तो विंडो के अंदर आएंगे,
यहाँ मेन्यू सेक्शन में हमें विंडो मिल जाएगा और यहाँ पे जितने भी पैलेट्स हैं या जितने भी टूल्स हैं वो सारे टूल्स यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है लेयर का ऑप्शन, इसका शॉर्टकट है F7, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको लेयर को वापस से क्लिक करेंगे तो ये लेयर का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा। आप चाहो तो इसको सेपरेट करके रख लो, नहीं तो वापस से इसको हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसको अपने हिसाब से हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो आई थिंक फ्रेंड्स इतनी सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर कुछ और भी इमेजेस को ओपन करना है, जैसे यहां से डबल क्लिक किया या तो हम फाइल को ओपन करें, तो फ्रेंड्स आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हम लोग किसी भी इमेज को ओपन करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन है ओपन, दूसरा ऑप्शन है शॉर्टकट कंट्रोल ओ, और तीसरा ऑप्शन है इस ब्लैंक विंडो पे कहीं पे भी आप माउस से डबल क्लिक कर दो तो आपको ओपन का ऑप्शन यहाँ पे शो करने लगता है। वापस से हमें कोई और इमेज लेनी है, यहां से हमने इमेज को ओपन कर लिया तो अभी क्या हुआ, उसी विंडो के अंदर ये हमारी दोनों इमेजेस लेफ्ट राइट दिखाई दे रही है। अगर और भी इमेजेस को हम ओपन करते हैं वो भी इमेज इसी में आके, चाहे तो हम इसी के अंदर हम ऐड कर दें, इसको हम और स्केल करके अगर बड़ा करें तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि जितनी भी इमेजेस हमने इंपोर्ट की वो सारी इमेजेस यहाँ हमें देखने को मिल जा रही है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग सेपरेटली भी अलग अलग कर सकते हो। तो अब फ्रेंड्स अगर हम लोग आगे चलें और देखते हैं, यहाँ मेन्यू सेक्शन के नीचे भी कुछ ऑप्शन हमें देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे कि ये सारे ऑप्शन क्या है मैं आपको बताऊं, आप यहाँ से टूल पैलेट के अंदर कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो या कोई भी टूल सेलेक्ट करते हो, तो जो भी टूल हम लोग सेलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड ऑप्शंस हमें ऊपर देखने को मिल जाते हैं। सपोज दैट हमने यहां से मूव टूल लिया तो यहाँ पे मूव टूल से रिलेटेड या मूव टूल को मॉडिफाई करने के कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। सिलेक्शन टूल्स लिया तो सिलेक्शन से रिलेटेड कुछ यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। उसी तरह जो भी टूल्स आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो ऊपर उसके ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कई बार ऐसी कंफ्यूजन बनती है कि हमें ऑप्शंस कुछ और चाहिए होते हैं और यहाँ पे कुछ और ऑप्शन सेलेक्ट होता है तो वो थोड़ा सा ढूंढने में हमें प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे अब हम लोग आते हैं कि जो भी हमने यहाँ पे टूल सेलेक्ट किया उसका कुछ हमें यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिल रहा है। जैसे सिलेक्शन टूल लिया तो यहाँ पे कुछ सिलेक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी या तो उसके शॉर्टकट्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। क्लोन टूल लिया, यहाँ पे क्लोन टूल का भी शॉर्टकट क्या है वो देखने को मिल जाएगा और क्लोन टूल किस तरीके से काम करता है कुछ उसका आपको हिंट देखने को मिल जाएगा। अब अगर फ्रेंड्स बात करते हैं किसी भी इमेज को अगर हमें बड़ी करनी है, छोटी करनी है या इमेज को अपने अकॉर्डिंग हमें मूव करना है, रोटेट करना है, तो ये सारी चीजों को हम कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमको आना पड़ेगा अपने लेयर सेक्शन में। और यहाँ आप देख सकते हो जो भी लेयर है वो एक बैकग्राउंड लेयर में कन्वर्ट है और उसके आगे एक लॉक लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं किसी भी इमेज को मॉडिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस लॉक को ओपन करना पड़ेगा, नहीं तो होगा क्या, अगर मैं इस इमेज को बिना लॉक ओपन किए यहां से मूव टूल लेता हूं और इसको मैं मूव करता हूं तो अभी देखो मेरे सामने एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, द करंटली सेलेक्टेड लेयर इज ए बैकग्राउंड लेयर, यू कांट मूव ए बैकग्राउंड लेयर। इसको हम लोग यहां से कैंसिल करेंगे और सबसे पहले इस लेयर को ओपन करेंगे। आप जस्ट डबल क्लिक करके इस लेयर को ओपन कर सकते हो और उस लेयर का यहाँ पे आप जो चाहे वो अपने हिसाब से नाम डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने अभी इस लेयर का नाम रख दिया लायन। अब ये देखिए यहाँ पे हमें इस इमेज के चारों तरफ एक कंट्रोल ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस कंट्रोल ऑप्शन की हेल्प से हम लोग अपने इमेज को छोटा या बड़ा या किसी भी प्रोस्पेक्टिव में स्केल कर सकते हैं। अगर आप कॉर्नर पे सेलेक्ट करते हो तो ये इमेज हाइट और विड्थ के एक्सपेक्ट रेशियो पे काम करेगी और अगर किसी सिंगल कंट्रोल पे आप काम करते हो तो वो सिंगल एक्सिस पे काम करेगी। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स मैं अगर बात करूं कि इमेज को मैन्युअली जूम इन या जूम आउट करना, तो कंट्रोल प्लस आप क्लिक करके या कंट्रोल प्लस से आप इसको बड़ा कर सकते हो और कंट्रोल माइनस प्रेस करके इमेज को छोटी कर सकते हो। कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल माइनस,
इस तरीके से किसी भी इमेज को हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अब इसका एक ऑप्शन और है फ्रेंड्स, जो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं कि यहाँ पे आप लोग देखोगे टूल सेक्शन के अंदर यहाँ पे हमें जूम टूल दिखाई दे रहा है। तो जूम टूल को आप या तो यहां से क्लिक कर लो या इसका शॉर्टकट है जेड। आप जैसे ही इसको क्लिक करते हो, अब उसके बाद आप लेफ्ट क्लिक को होल्ड करते हुए माउस को जब आप ड्रैग करोगे तो ये इमेज जूम इन और जूम आउट होते हुए आपको दिखाई देगी। मतलब अगर इस इमेज को मैं लेफ्ट राइट कर रहा हूं तो ये इमेज जूम इन और जूम आउट हो रही है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी भी विंडो को हमको अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा या अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है तो वो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि इस इमेज के पर्टिकुलर किसी एक एरिया पे या पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे ही हमें जूम करना है तो मैं उसको कैसे जूम करूंगा। मेरा जूम का शॉर्टकट है जेड। मैंने कीबोर्ड में जेड प्रेस किया और ये इस तरीके का कुछ टूल्स आपके सामने आ जाएगा। और सपोज दैट मुझे अब इसकी आईज को जूम करना है तो मैं जस्ट इसकी आईज के पास माउस को लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करूंगा। क्लियर। अगर मुझे इसकी नोज के पास जूम करना है तो मैं ये माउस अपना इसकी नोज के पास लाके रखूंगा और लेफ्ट क्लिक से मैं इसको ड्रैग करूंगा। तो इस तरीके से आप कई सारे ऑप्शंस हैं किसी भी इमेज को जूम इन और जूम आउट करने के लिए। अगर इसी को मैं बात करूं तो यहाँ नीचे आप लोग ऑप्शंस देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट्स और कुछ वैल्यू दी हुई है। सपोज दैट अगर मुझे इसको या मुझे इस इमेज को 200% जूम करना है तो मैं जस्ट सिंपल यहाँ पे टाइप करूंगा 200 और ये इमेज जस्ट डबल हो गई, क्योंकि ये पहले से जूम थी इसलिए आप लोगों को इतनी समझ में नहीं आई। अभी मैं इसको 100% पे कर देता हूं। ये इमेज है अभी हमारी 100% पे। सपोज दैट मैंने अगर यहां पे इसको कर दिया 25% तो ये इमेज और छोटी हो जाएगी। अगर मैं इसको कर देता हूं 400 और इंटर, आप लोग देख सकते हो कि ये इमेज कितनी बड़ी हो गई। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप किसी भी इमेज को बड़ी और छोटी कर सकते हो। कोई भी इमेज अगर बहुत बड़ी हो जाए तो नीचे बॉटम साइड पे और यहाँ पे राइट साइड में आपको स्लाइडर मिल जाएगा। आप स्लाइडिंग करके इमेज को लेफ्ट राइट मूव कर सकते हो और यहाँ से अप एंड डाउन ऊपर नीचे भी मूव कर सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ पे जो वैल्यू अभी तक इंटर कर रहे थे आप लोग चाहो तो कंट्रोल प्रेस करके अगर माउस यहाँ पे लाओगे तो ये कुछ इस टाइप से इसका शेप बन जाएगा। दाएं और बाएं लेफ्ट एंड राइट में हमें एक एरो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कंट्रोल प्रेस करके माउस को लेफ्ट एंड राइट अगर मूव करेंगे तो इस तरीके से भी ये इमेज हमारी जूम इन एंड जूम आउट होगी। तो फ्रेंड्स मैंने आपको कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे बता दिए किसी भी इमेज को जूम इन और जूम आउट करने के लिए। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इस इमेज को हमें या इस कैनवस को हमें रोटेट करना है, देखिए फ्रेंड्स दो चीज है, एक तो होता है किसी भी इमेज को रोटेट करना और एक होता है किसी भी कैनवस को पूरे पूरे हमारे आर्ट बोर्ड को रोटेट करना। अगर मुझे इस इमेज को रोटेट करना होगा तो जस्ट मैं सिंपल यहां से इस इमेज को रोटेट कर लूंगा। या तो हमारे पास यहाँ पे भी कुछ ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सपोज दैट इस इमेज को मुझे 90 डिग्री रोटेट करना है तो यहां पे जस्ट मैंने वैल्यू इंटर कर दिया 90 डिग्री। मुझे वापस आना है, मैंने यहां पे 0 क्लिक कर दिया। मुझे 45 डिग्री यहां पे करना है तो मैंने यहां पे वैल्यू ऐड कर दिया 45। अभी के लिए मैं यहां पे 0 ऐड कर देता हूं। अब जूम टूल के ऊपर फ्रेंड्स हमें यहां पे देखने को मिलता है रोटेट व्यू टूल। रोटेट व्यू टूल को अगर आप होल्ड करके रखोगे तो इसके अंदर दो ऑप्शन देखने को हमें मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है हैंड टूल एंड दूसरा ऑप्शन है रोटेट व्यू टूल। हैंड टूल का यूज कैसे होगा, अगर सपोज दैट हमने किसी भी इमेज को एक एक्सपेक्ट रेशियो से ज्यादा जूम कर दिया है, अब इस इमेज को अपने स्क्रीन पे हमें अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है तो हैंड टूल की वजह से लेफ्ट क्लिक करके हम इस इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं। वापस से मैं इस इमेज को छोटा करता हूं और हैंड टूल के नीचे यहां हमें देखने को मिल जाता है रोटेट व्यू टूल। रोटेट व्यू टूल कैसे काम करता है, ये फ्रेंड्स पूरे पूरे कैनवस को रोटेट करता है। दो चीजें होती हैं, एक इमेज को रोटेट करना और एक कैनवस को रोटेट करना।
तो अभी जो ये हमारा रोटेट हो रहा है, ये पूरा पूरा कैनवस रोटेट हो रहा है। आप चाहो तो बाय डिफॉल्ट यहाँ से नंबर्स के साथ भी इसको रोटेट कर सकते हो। सपोज दैट मैंने यहाँ से 90 डिग्री किया और ये पूरा हमारा कैनवस 90 डिग्री रोटेट हो गया। एंड नाउ हमने यहाँ पे वैल्यू दिया 180 डिग्री, ये इमेज 180 डिग्री हमारी रोटेट हो गई। अब इसको अगर हमें रीसेट करना है तो यहाँ पे बगल में ऑप्शन है रीसेट का, अगर हमने इस पे क्लिक किया तो ये इमेज हमारी एज इट इज पहले के जैसे सामने आ गई। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखोगे कि एक छोटा सा रिंग बना हुआ है, इस रिंग के हेल्प से भी आप इस कैनवस को रोटेट कर सकते हो। और वापस से रीसेट करने के लिए हम अगेन इस पे क्लिक करते हैं और ये विंडो हमारी रीसेट हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये था आज के सॉफ्टवेयर का बेसिक इंटरफेस एंड यूआई। आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में सॉफ्टवेयर की और डिटेल चीजों को हम लोग देखेंगे और जानेंगे कैसे एडवांस लेवल पे इस पे काम हो सकता है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपके लिए हम आगे और नई नई वीडियोज को ला सकें। थैंक यू।